الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم من شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد चौबीसवें पारा के आखिर में अल्लाह के आदल कामिल का बयान था मनामिल सालिहन फ़र नफसी व मन असाफ़ अली व मारबू का बिजल मिलबीद में जिसकी वजह से क़ियामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा अब पच्चीसवें पारा के शुरू में है कि क़ियामत के दिन कि जो तारीख है क्यामत कब वाक़ होगी उसका इलम अल्लाह को ही अल्लाह ही को है लोग अपने मामलात में अपने लेन देनों में और अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हों और मुन होंगे कि अच्का यह क्यामत क़ायम हो जाएगी उस दिन अल्लाह मुशरकों से सवाल करेगा कि कहाँगे मेरे वो शरीक जिनकी तुम इबादत किया करते थे मेरे वो शरीक कहाँ हैं वो इंतहाई नदामत के साथ जवाब देंगे कि आज हमारे दरमियान कोई ऐसा फर्द नहीं जो तेरे लिए शरीक का इकरार करता हो वजल मकान मिन कबल वो सारे के सारे शरीक उनसे गुम हो जाएंगे सूर हामिम सजदा का पच्वीसवें पारे के पहले रकू में अख्ताम होता है और इस सूरत की अख्ताम पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ वादा फरमाया कि वो इस कनात और खुद इंसान की ज़ात के अंदर जो राज हैं उनके बारे में उन्हें मुतले फरमाएगा और ये राज जब खुलेंगे तो हर कोई जान लेगा कि ये किताब बरहक है क़ुरान मजीद की जो किताब है ये बरहक है अल्ला का ये वादा सच्चा था और गुज्ता चौदाह सौ सालों से उस इस वादे का इफा हो रहा है कायनत और इंसान के बारे में ऐसे ऐसे इनकशाफात हो रही हैं जिनका कदीम जमाने के इंसान ने कभी तसवुर भी नहीं किया था बिलखसूस जमाना जदीद में टेक्नोलॉजी में ऐसे टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसे इनकशाफा ईजाद और तहकीकत रही हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब इंसान और कैनात के, के बारे में कोई नई तहकीक और नया इनकेश सामने ना आता हो और ना जान ले बताइए किसी ने सोचा था कि इंसान चांद तक पहुंच जाएगा और पूरे कुर्र आज के गिर्द घूम जाएगा किसी के वाहम गुमान में भी ये बात ना आई होगी कि मशरक में रहने वालों की आवाज़ें अहल मगरब और अहल मगरब की आवाज़ें एहले मशरक सुन सकेंगे वो भी एक लम्हे में जैसे फ़ोन के जरिए हम यहाँ बैठे अमरीका में बात कर लेते हैं इंग्लैंड में बात कर लेते हैं जर्मनी और फ्रांस और कैनाडा में बात कर लेते हैं बल्कि आज तो, तो आवाज़ें ही नहीं उनकी सूरतें और हरक़त सकन भी दिखाई दे रही हैं एक वकत था कि इंसानी एक वक्त था कि इंसान जो है वो सूरज को कैनात की अजीम तरीन चीज समझ कर उसके सामने झुकता था आज उसने मालूम कर लिया कि नजर आने वाला सूरज तो कैनात का एक छोटा सा कुर्रा है और इस जैसे कई सौ मिलियन सूरज पसे पसेपर्दा मौजूद हैं। इंसान समंदरों और दरियाओं के पेट में घुस गया और उनके पेट में जो कुछ छुपा था उसने उसे देख लिया इंसान ने अपने जिसम इसकी बनावट इसकी खसूसियात और इसके असरारमूज के बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया जहर है कि इल्म तहकी के इस तेज़ रफ्तारी का कोई भी मजहबी किताब कुरान के सिवा साथ नहीं दे सकती यही बात कुरान को दैमी मुआजा साबित करती है मतलब ये नहीं है कि कुरान मजीद जो ऐसी ऐसी किताब है मतलब यह है कि कुरान मजीद उन तहकीकात को साबित कर रही है जो तहकीकात अब हो रही है और कुरान ने उनके मतलब पेशनगुईया चौदह सौ साल पहले दी थी यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाई तख्त की तरह मादी मुजजा नहीं है ये इल्मी मुआजा है और इल्मी दौर के लिए नाजिल हुआ है इंसान का इल्म जितनी तरक्की करता जाएगा इस पर कुरान की सदाकत उतनी ही खुलती जाएगी और वो वक़्त आकर रहेगा जब हब हाँ, हर इंसान जो गैर मुतासिब हो मतदिल होगा वो सहब इलम कुरान के सामने उसकी गर्दन झुक जाएगी अगली सुवतः शुरा शुरू हो रही है सीन काफ़ हकीम ये मक्की सूरतों में से है और इसमें तिरपन आयात और पांच रकू हैं दूसरे मक्की सूरतों की तरह यह भी नजरियाती मसले पर बहस करती है लेकिन वही और रिसाल के मजमून को इसमें ज्यादा अहमियत दी गई है कुरान के एजाज को बतलाने और उसकी मिसल लाने से मुखालिफिन का इज्ज जहर करने के लिए और उनको आजिज बनाने के लिए इसकी इब्तदा भी हरूफ मुकत्त से हुई है यही वो हरूफ हैं जिन्हें जोड़ कर कुर मजीद बनाया गया है अगर कुरान वाकई इंसानी काविश है जैसे कि ये बदपत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि महाज अल्लाह रसूल ने खुद बनाया है तो तुम भी इन हरूफों की तरकीब से कुरान जैसा कलाम बना लो पूरा कुरान नहीं तो कुरान जैसी कोई छोटी सी छोटी छोटी सूरत ही सही और अगर तुमने बिलफर्ज बना लिया तो तुम्हें इसका ये फायदा हो जाएगा कि रसूल की हो जाएगी कि नबी करीम भी खुद बना सकते हैं। लेकिन इस चैलेंज को न कल के मुनकरीन ने कबूल किया न आज के मुनकरीन कबूल करने के लिए तैयार है सूरज का सूरत का आगाज करने के मुतसिल्लाम को खिताब करते हुए फरमाया गया इसी तरह तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले लोगों की तरफ वही करता है वही अल्लाह जो किब और कदालम गोया वही का सर चश्मा अवलीन और आखरीन के लिए एक ही रहा है वो अल्लाह की और फिर दरमियान में अल्लाह की अजमत और जलाल बयान करने के बाद फिर वही और कुरान ही का जिक्र है चुनाच इर्शाद है और इसी तरह तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा ताकि तुम बड़े गाँव यानी मक्का के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको रास्ता दिखाओ व तुंस रोमल जमा और जमा होने के दिन से उनको तो डराए मुराद की आमद के दिन है इसमें कोई शक नहीं है और वो दिन ऐसा होगा फरीक उनफिल जन्न अफरीफिल साइर एक गिरोह जन्नत में जाएगा एक गिरोह जहन्नम के अजब में जाएगा वही और रिसालत के मजमून ही को मक्त करने के लिए यह बताया गया कि अल्लाह के नज़दीक दिन एक ही है

सलाम हजनऊ्ल इब्राहिम मूसा ईसा को इसी दिन की दावत के लिए दुनिया में भेजा गया था और उनके मुतभिन को तफरक़ा से सख्ती से मना किया गया था लेकिन अहल किताब हसद और जिद की बिना पर तफरक़ा में मुबला हो गए थे और उनके इस तफरक़ा और इख्तलाफ़ ही को मिटाने और क़ैल कौल फैसल सुनाने के लिए अल्लाह इज़्ज़त ने हमारे आकाश अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया आपको हुक्म दिया कि आप इसी दीन की तरफ दावत दो फल का फत इसी की तरफ दावत दे और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है फस्त, फस्त, वस्तकीम का माँ उमिरता इसी पर मजबूती से क़ायम हो जाओ और उन लोगों की ख्वाहिशात की तबाह न करो और उनसे कहो कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है मैं उसी पर ईमान लाया इसके बाद चंद आयात के बाद अल्लाह इज़्ज़त ने कुदरत और वही के दलायल जिक्र किए और उनके बाद फिर ईमान वालों की कुछ सिफात थी वो उनको बयान फरमाया है पहली सिफत ये बयान की कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं ईमान वालों की पहली सिफत दूसरी सिफत बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं वह अपने पर भरोसा करते हैं वफवाहिश वो लोग जो बड़े गुनाहों से बेहयाई के कामों से बचते हैं और तीसरा ये कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो माफ कर देते हैं वह मा गजब हम या किसी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है तो फौरन गुस्सा उनका उतर जाता है और तीसरा येदारी ये करते हैं पांचवी सिफत यह कि अकाम नमाज को कायम करते हैं नमाज की पाबंदी करते हैं वह अमरुहम शुरा बम और छठी ये कि न अपने काम बहमी मशवरे से करते हैं और सातवा ये कि अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं मिम्मार जखना हम युफिकून अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये भी मोमिन की सिफत है और आठवीं ये कि अगर उन पर कोई जुल्म और ज्यादती करे तो मुनासिब तरीके से बदला लेते हैं والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره الى الله انه لا ये सिफात अगर आज के मुसलमान अपने अंदर पैदा कर ले तो मुसलमानों की इनफरादी और माशरती जिंदगी में ऐसा की इनकी ऐसा पैदा हो सकता है और इनकलाब की राहार हो सकती है कि इंसान तरक्की भी करेगा दीनी भी और दुनिया भी इसी सूरत के आखिर में वही और इसालत का जिक्र है तो जिस मजमून की इब्तदा हुई थी सूरत के आगाज से उसे मजमून की इंतहा हो रही है सूरत के इंतहा पर सराजी तो का इसी पर ही इंतहा हो रही है सूरत की अल्लाह रब हमें अपने काम अपने जो है अकाम की तामील नसीफर में और रसोल्ला सल्लाम पर अल्लाह की तरफ से जो अकाम नाजिल हुए और हमारी तरफ वह मतलूब हैं उन पर अमल करने की तोफी खतः फरमाए आगे सोजुखरुफ़ शुरू हो रही है सो जुखरुफ मक्की है और इसमें एक अम नवे आयात हैं और सात रुकू हैं ज़ुखरुफ सोने और जीनत के माने में आता है आमतौर पर औरतों के नाम का हिस्सा है औरतें औरतों खुवान का नाम रखे थे जुखरूफ का नाम ज़ुखरूफ रखा गया क्योंकि ज़ुखरुफ सोने को कहते हैं और कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कहा था कि अगर ये वाकई अल्लाह का रसूल अल्लाह का नबी अल्लाह का पैगम्बर है तो फिर इसका घर सोने का हो इसके पास सोना हो तो जुखरुफ का लफज आगे आएगा इन शह जहाँ आएगा मैं बताऊंगा तो इसी वजह से इस इसत का पूरा नाम जुखरु रखा गया यानी सोना जीनत। इस इसत का मौजूद ईमान उसू, है इसकी इब्तदा भी दूसरे हवाीम की तरह वसल्लम के दमजा क़रीम के जिक्र से होती है अल्लाह ने इस रोशन और वाज किताब कसम वाज़े की कसम खाकर फरमाया हामी वाली जालना बेश हमने इसे कुरान अरबी जबान में बनाया हमने इसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो और यह कुरान बड़ी किताब यानी लोए महफूज में

ये बुलंदो बुलंदोबाला पहाड़ ये बहती हुई नहरें ये फैला हुआ समंदर ये आसमान से कतरा कतरा बरसने वाली बारिशें ये समंदरों पर चलने वाली कश्तिया जहाज ये हर किस्म के चुपाए जो खा जो खाने के काम भी आते हैं नकलोह हमल के बेहतरीन जराए भी साबित होते हैं ये सब अपने खाले और सान की कुदरत और हिकमत के जिंदा गवाह है इनको अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि कोई ज़्या है जो इनको चला रही है और इनकी गवाही शहरी भी सुन सकता है दियाती भी इनकी जबान आलम भी समझ सकता है और जाहिल भी ये गवाह कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है जरूरत तो सिर्फ उन कानों की है जो सुन सके उन आंखों की है जो देख सके उन दिमागों की है जो सोच सके और समझ सके। अल्लाह की कुदरत के ये दलायल जमीन पर फैले हुए हैं और हर बंदा देख सकता है सुन सकता है सोच सकता है इस सूरत में जमाना जहलीत की इंतहाई काबिल नफरत सोच जो है उसका भी तस्करा है इस सूरत के अंदर वो ये कि ये जो मक्का के लोग थे जमाना जहलीत में बेटियों से सख्त नफरत करते थे जैसे आजकल के हाँ हमारे यहाँ कुछ बदबخت खुवान को इस वजह से कोसते और पीटते और तलाक दे देते दे हैं कि ये मुसलसल बच्चे पैदा कर रही है अगर उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो वो लोगों से मुंह छुपाए फिरते और उसे जिंदा दरगोह करने की तदबीरें सोचने लगते थे कि किस तरह इस बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा दरगोह किया जाए ताकि लोग हमें ताने न दें और दूसरी वो अल्लाह की तरफ बेटियों की नस्बत करते थे और फिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे अल्लाह ने फरमाया अमिता खाद यखलो को बनाती हूँ बिल बनी बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह की तरफ बेटियों की नस्बत और तुम्हारी तरफ बेटों की नस्बत वहीदा बुशर और जब उन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो मैं उनके रसूल सल्लाम ने बेटियों के लिए रामतों की खुशखबरियाँ सुनाई हैं और तो फरमाया कि जो आदमी अपनी बेटी कि अच्छी से तरह से परवरिश करे और उनके यहाँ बेटी हो तो ये क्यामत के दिन उसके लिए सिफारशी बनेगी बहन और बेटी के मुतालिक एक ये भी फरमाया कि अगर उनकी शादी हो जाए और शादी होने के बाद उनको तलाक हो जाए और घर में आकर रहे और ये बंदा उनकी परवरिश करता रहे पर मैं जन्नत का जामिन मैं हूँगा ये जन्नत में उनको लेकर जाएंगी और बेटी का घर में आना रहमतों का बायस है अल्लाह के रसूल सल अपनी बेटी जैस जनाब सैद फातमा तजहरा रजी अल्ला के लिए घर में खड़े होकर इस्ते किया करते थे जब वो आती तो आप सल्ला अपनी चादर को बिछा दिया करते थे तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बेटियों के हकूक बयान फरमाया खा, खातिन को औरत को जितना मकाम इस्लाम ने दिया इतना किसी ने नहीं दिया आज हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं खातून को वो मकाम हासिल नहीं है हाँ खातून को वो 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 मकाम देना चाहती हैं खातुन को बाजार की जीनत बनाना चाहती हैं खातून को अल्लाह के रसूल ने जो इज्जत अजमत अहमियत और जो घरदारी के लिए मलका बनाने की हैसियत दी है वो उसको खत्म करना चाहती हैं। इस्लाम ने जितने हकूक दिए किसी मज़हब माशरे समाज ने नहीं दिए अल्लाह रबुल हमारे खुतिन की मस्तूरात की बहनों बेटियों की और माओ की हिफाजत फर्माए